जनपद में गुरुवार को 76 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 साल से ऊपर के 3,325 और 45 साल से ऊपर के 8,558 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 5,837 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,721 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने बताया कि इसके लिए प्रतिदिन 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 4,000 का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के संक्रमण विभाग सहित 39 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। इसके लिए लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज 67 केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से 27 जगहों पर जो है 18 साल से ऊपर के 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, जो कि टोटली पोर्टल से ही वैक्सीनेशन हो रहा है। इस एज ग्रुप के लोगों को पहले पोर्टल पर अपने को इंटर करना होता है, फिर कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर इनको दिन और जगह और समय अलाट करता है, तो लोग उस जगहों पर जाते हैं और वैक्सीनेशन कराते हैं। अभी तक कुल कितने लोगों को लग चुके हैं? अभी तक हमने जो है 4.25 लाख के लोगों तक का वैक्सीनेशन कर लिया है, 3,61,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोई अपील लोगों से? अपील लोग जनता से हम ये करना चाहते हैं कि आज हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है, इसका श्रेय हमारी जनता को जाता है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का उसने पालन किया, जब भी निकल रही है मास्क लगा के निकल रही है, हम जहाँ घूम रहे हैं देख रहे हैं सब लोग मास्क लगाए हुए हैं,
अनायास इधर उधर लोग नहीं घूम रहे हैं, जिससे कोरोना फैलता है। इन्हीं तीन चार चीज़ों की लापरवाही से कोरोना फैलता है। तो जनता ने इसका पालन किया और हम कोरोना का जो पॉजिटिविटी थी वो घट जा रही है। कल जो है हमारे पास 450 के आसपास केसेस आए, उसके पहले तो हमारे पास 1000 के ऊपर केसेस आ रहे थे। तो हमें लगता है कि हाँ, इसी तरह से अगर जनता नियमों का पालन करती रहेगी तो हमारे ज़िले में भी कोरोना के केसेस की संख्या कम हो जाएगी।